इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। कश्मीर के हवाले से कश्मीर का उन्होंने कहा, ताजिक सदर ने भी इस पे बयान दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के साथ, इंडिया के साथ तजारत करना कश्मीरियों से गद्दारी होगी। अब क्वेश्चन ये जब है, जब तक कि वो 5 अगस्त वाले एकदम वापस नहीं लेता। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, 5 अगस्त के इकदाम ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करने से या ऐसे नारे मारने से वो वापस ले लेंगे इंडिया वाले। क्या सवाल ये पैदा होता है कि जब से उन्होंने ये इकदाम किया है, बहुत टाइम गुजर गया है इसमें, क्या हमारी वजारत खारजा ने कोई इंडिया पे प्रेशर बिल्ड किया है? क्या मुसलमान ममालिक हमारे साथ खड़े हुए हैं? क्या हमारे अरब दोस्त, जिनके लिए हम मरने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, क्या हमारे अरब दोस्त जो हैं, जिनके लिए जहाँ यहाँ जो तजवीज़ें पेश की जाती हैं कि जी आप अरबों के साथ ईद मना लें और अरबों के चांद देखने के साथ ये कर लें, क्या वो अरब दोस्त हमारे साथ खड़े हुए हैं? क्या उन्होंने इंडिया, आप यकीन माने कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये जो बातें करते हैं कि जी गद्दारी होगी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके कौम को जोश दे के खुश करके तो हम रह सकते हैं ऐसे, लेकिन नकी साहब आप यकीन माने कि सऊदी अरब सिर्फ एक ऐलान कर दे कि जनाब फलां तारीख तक अगर ये स्टेटस कश्मीर का वो पहले वाला बहाल नहीं होता जो 5 अगस्त के बाद ख़त्म हो गया है, तो इंडिया की लेबर वापस कर दी जाएगी। आप यकीन माने ना सिर्फ वो वापस कर लेंगे दोनों आर्टिकल, उसके अलावा वो सहूलियात भी और बहुत ज़्यादा दे देंगे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा उनकी लेबर जो है वो अरब ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। बड़ी अहम ये तो नहीं करते ना, ये ऐसा ये नहीं करते। और हमारी हालत ये है कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं जनाब मोहतरम मुल्तानी, हमारे मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, वो उनकी उछल कूद तो तारीखी है ना कि वो अरब में उधर जा रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं जी, आज वो फलां के पास जा रहे हैं, फिर ईरान भी चले गए, फलां जगह भी चले गए, सऊदी अरब भी इराक के दौरे पे गए हुए थे, वो घूमते रहते हैं। सिर्फ उनकी उछल कूद है, किसी मुल्क ने सिवाय ईरान के और तुर्की के, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने हमारे कंधे से कंधा मिला के कहा हो कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। लेकिन इन दो ममालिक ने भी क्या हमारे सफारती कोशिश से कहा है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि देखें, तुर्की है जैसे, ईरान है, ईरान से तो हमारा एक ख़ास दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात भी हैं, हमारे साथ खड़ा रहता है वो, तो उन्होंने कश्मीर पर जो जुल्म हो रहा है और इवन दुनिया भर में जहाँ जुल्म होता है वो ईरानी लीडरशिप उस पर एहतजाज करती है, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे वो इस पर हो, और अगर उनकी कोई सपोर्ट भी की जा सकती है तो वो करते हैं। वो उस हवाले से उन्होंने किया है। हमारी जो वजारत खारजा है और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे शहर के हैं, लेकिन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब एक नाकाम वज़ीर ख़ारजा हैं। अच्छा, उनकी कारकर्दगी जब कभी लिखी जाएगी, जब वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी थे, वो उस वक्त भी नाकाम वज़ीर ख़ारजा थे। और ये बात मुझे खुद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक इंटरव्यू में कही कि उनको इसलिए हटाया गया था कि वो अमेरिकन के साथ ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ाने, अपने ज़ाती ताल्लुकात बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए थे, और जो हमारे हुकूमती और वो मामला थे उनको जो है ना वो नज़रअंदाज कर रहे थे, तो इसलिए उनको वज़ारत ख़ारजा से हटा के वाटर एंड पावर मुल्तान में उनकी ज़ाहिर है जो इंतखाबी सतह पे और नहीं, वो उस वक्त तो यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे और ये उनकी कैबिनेट के वज़ीर थे ना जब ये हटे, तो उस वक्त उन्होंने बात कही। तो मैं ये समझता हूँ कि वजारत खारजा की हमारी ओवरऑल जो है ना, वैसे हम कहते रहेंगे हम बहुत कामयाब हैं, हमारी बहुत बारे, कोई वजारत खारजा का कोई वो नहीं है, कोई उनकी कारकर्दगी नहीं है। कश्मीर इशू पर मैं समझता हूँ जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब हम ये कहते रहेंगे, हम भी कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कह रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ गद्दारी है, इंडिया से तजारत करना, ये करना, लेकिन सवाल ये है कि 5 अगस्त के इकदाम वापस करने के लिए, इंडिया पर दबाव बढ़ाने के लिए कुछ किया? कुछ दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुआ। अब देखें, ये इसराइल ने जो जुल्म किया फ़लस्तीन पे, जो फ़लस्तीनियों ने दुनिया भर में प्रोटेस्ट किया, दूसरे अकवाम भी उनके साथ खड़ी हुई, अमेरिका में भी हुए, कश्मीर के इशू पर छोटे छोटे प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद खामोश हो गया ना, दुनिया कोई मुतवज्जो नहीं हुई, किसी ने कोई बात नहीं समझी। और जब किसी से बात करो दुनिया में, वो कहते हैं जी आपका मामला है, आपस में आप बैठ के तय करें। अच्छा, इसमें ये बड़ा अहम मवाजना किया है आपने, कश्मीर का मामला है, फ़लस्तीन का मामला है, दोनों मामले हमारे हैं,
लेकिन उस पे प्रोटेस्ट हुआ दुनिया भर में, तो क्या उससे हम तरीन साहब ये तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने इस भिकमंगे पत्रकार को ध्यान से सुना होगा, ये ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है, ये बातें कर रहा है सऊदी अरेबिया और यूएई चाहे तो एक दिन में आर्टिकल 35 और 370 हटवा सकते हैं अगर वो भारत के लेबर को सऊदी अरेबिया से बाहर भेज दें। मतलब आप सोच सकते हो इनके पास क्या मुंह है ये बोलने के लिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये बेवकूफ़ मतलब आज की दुनिया में भी ये वो पाषाण युग में जी रहे हैं, मतलब वही मुसलमान मुसलमान वाला कार्ड खेलकर ये मतलब इस तरीके की बातें करते हैं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों इनकी सोच क्या है। वैसे आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया इनको घास भी नहीं डालता है, या यूएई भी इनको घास नहीं डालता है। वो तो चलो अब हैं बहुत सारे तो आ जाते हैं तो फिर बन जाती है कहानी। अभी तो इनको हज के लिए भी अलाउ नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी वैक्सीन लगी हैं, वो लगी हैं चाइनीज़ वैक्सीन। चाइनीज़ वैक्सीन को लेकर सऊदी अरेबिया की एक पॉलिसी है, जो भी सऊदी अरेबिया में चाइनीज़ वैक्सीन लगवा कर आना चाहेगा तो वो नहीं आ सकता है। तो गाइस आपको पता होगा सऊदी अरेबिया और यूएई में भारत के लोग बहुत ज़्यादा हैं, फिर पाकिस्तान के हैं, फिर बांग्लादेश के हैं। लेकिन भारत के लोग एक अलग लेवल का काम करते हैं, बांग्लादेश के भी अलग लेवल का काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग केवल मजदूरी करते हैं। ये वहाँ के सोर्स रिकॉर्ड में है कि ये निचले लेवल का काम करते हैं, तो आप समझ सकते हो। और सऊदी अरेबिया और भारत के रिश्ते भी आपको पता है, यूएई और भारत के रिश्ते भी पता है, यूएई और इसराइल के रिश्ते भी आपको पता है कितने अच्छे हैं। लेकिन इन बेवकूफ़ों का बस एक ही सिस्टम है, इस्लाम के नाम पर ये मतलब अपने रिश्ते बनाना चाहते हैं। ये व्यापार डील और जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सब पर इनका विश्वास ही नहीं है। मतलब इस तरीके की अगर इनकी सोच है तो बहुत अच्छी बात है, लगे रहो बेवकूफ़ों। तो ये इनका कहना ये है कि मतलब सऊदी अरेबिया भारत की लेबर को अगर निकाल दे तो भारत एक दिन में कश्मीर का जो आर्टिकल 35A है और ये हटा देगा। अरे भाई सोचो तो फिर, बड़ा सोचो ना, कश्मीर दे दे भारत, ऐसा सोचना चाहिए था बेवकूफ़ों, इतना छोटा भी क्यों सोच लिया तुमने। तो दोस्तों ये तो इनका रोना लगा रहेगा। आपको भी पता है इमरान खान का जो वाजबा है, मतलब पाकिस्तान आर्मी चीफ है, वो बोलता कुछ और है कि हम भारत के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहेंगे, ये करना चाहेंगे, वो करना चाहेंगे। इमरान खान दूसरे दिन टीवी पर आकर बोलता है कि कश्मीर को लेकर हम भारत से कोई भी बात नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 35A और ये धारा 370 हटती नहीं है। तो मतलब समझ सकते हो आप, इनका एक अलग चल रहा है। भारत को भी इनसे कोई रिश्तेदारी या मतलब फ्रेंडशिप करने की कोई ज़रूरत है नहीं, भारत भी इनको भाव नहीं देता है। क्या फ़र्क पड़ता है भारत को इनसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन कश्मीर में टेररिस्ट अभी भी दोस्तों आपको पता है कि एक्टिव हैं, और अभी उन्होंने एक हिंदू पंडित कोई लीडर था उसे मारा है। तो इस तरीके की हरकत है पाकिस्तान की तरफ से, तो मुझे नहीं लगता है कश्मीर के लोग ये रेडिकलाइज हो चुके हैं और वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। तो गाइज ये वीडियो होता खत्म, पाकिस्तान का भी उसमें हाथ रहता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है।